नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 403 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके एक प्लस ग्रेड लेके आनी है। बस आप हमारे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखें, अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर करें और पूरे मन से पढ़ाई करें, अपने नोट्स बनाएं और कोई भी डिफिकल्टी हो तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके समस्या का समाधान करके दूं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए ये जो सब्जेक्ट कोड है CE 403 इसका जो यूनिट 3 है सिलेबस के हिसाब से फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस बीम्स, इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं 2022 के पेपर में वो सारे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के और 8 मार्क्स के, वो सभी इसमें किए जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि केवल क्वेश्चन ना करवाऊं, उनसे आसपास के दूसरी छोटी छोटी बातें भी आपको समझाऊं। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो पेपर में क्वेश्चन पहले का 5वां है। पेपर में क्वेश्चन पहले का 5वां, ये देखिएगा, ये है आबद्ध धरण डैश का एक उदाहरण है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनिर्धारित धरण, अस्थिर धरण और निर्धारित ढांचा। पहली बात तो ये कि जी धरण है तो ये धरण में से कोई आंसर होगा, ढांचा तो हो नहीं सकता। अब धरण कैसी होती है, आबद्ध निर्धारित होती है कि अनिर्धारित होती है कि अस्थिर होती है। हम वैसे इसका आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, अभी एक झटके में आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल आंसर आएगा इसका, अनिर्धारित धरण है, इट इज इनडिटरमिनेट बीम। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि मीनिंग क्या होता है निर्धारित का और अनिर्धारित का। मेरा मकसद केवल पेपर सॉल्व करना नहीं है, आपको कुछ समझाना भी है। क्या लिखा है, फिक्स्ड बीम इज एन एग्जांपल ऑफ ए इनडिटरमिनेट बीम, बी डिटरमिनेट बीम, तीन सी अनस्टेबल बीम एंड डी डिटरमिनेट फ्रेम। देखिएगा इसका आंसर तो ये है अनिर्धारित धरण इनडिटरमिनेट बीम। थोड़ा सा मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स एंड डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स। आप जानते हैं कि साम्यावस्था की 3 शर्तें होती हैं। स्टैटिक्स में पढ़ा होगा आपने, σH = 0, σV = 0 एंड σM = 0। इट मीन्स सम ऑफ All horizontal forces is equal to zero. कैसा सम? Algebraic, बीजी योग। Algebraic sum of all horizontal forces is equal to zero. Algebraic sum of all vertical forces is equal to zero. And algebraic sum of all moments is equal to zero. Now, what is the meaning of algebraic sum? हम इसको यूँ कह सकते हैं σH = 0 को कि total leftward forces is equal to total rightward forces. बाईं ओर लगने वाले सभी बलों का योग दाईं ओर लगने वाले सभी बलों के योग के बराबर होता है। σV = 0 क्या होगा? Total upward force is equal to total downward force. और σM = 0 का मतलब total clockwise moments is equal to total anti-clockwise. या कह सकते हैं sum of all clockwise moments is equal to sum of all anti-clockwise moments. अब जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर इन 3 इक्वेशन से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती है, सभी जो अज्ञात मान है वो निकल आते हो, तो हम कहते हैं वो डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर है। और इन 3 इक्वेशन से अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हम कहेंगे इनडिटरमिनेंट है। हम ज्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे, संक्षेप में बात करेंगे। तो आबद्ध धरण जो होती है ना फिक्स्ड बीम, उसमें क्या होता है, ये दोनों सिरे फिक्स होते हैं, बीम के दोनों सिरे फिक्स मतलब आबद्ध आलंब होते हैं,
अबदल हम किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एंड या फिक्स्ड सपोर्ट, जो ना तो रोटेशन होने देते हैं ना ट्रांसलेशन होने देते हैं, यानी जो रेखीय प्रसार का, रेखीय विस्थापन का विरोध भी करते हैं और कोणीय विस्थापन का विरोध भी करते हैं। तो ऐसे जो सपोर्ट्स होते हैं उनको कहते हैं फिक्स्ड सपोर्ट। अगर मान लो बीम पे कोई लोड वगैरह लगे हुए हैं, नेचुरली रिएक्शन होगी, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो रिएक्शन आर ए होगी, यहाँ रिएक्शन आर बी होगी, क्योंकि फिक्स्ड एंड मोमेंट है, मतलब फिक्स्ड एंड है, या फिक्स्ड एंड मोमेंट उत्पन्न होगा एम ए और एम बी। अब हमारे पास में कुल मिला के चार अननोन है, एम ए, एम बी, आर ए, आर बी, चार है ना, चार चीजें निकालनी है। लेकिन हमारे पास में वैसे तो क्या दिख रहा होगा, ये तीन समीकरण अवेलेबल है, पर इस समय हमारे पास में दो ही अवेलेबल है, सिग्मा एच बराबर जीरो अवेलेबल ही नहीं है। इसका अस्तित्व तो है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स को लग ही नहीं रहा है। वी हैव ओनली टू आउट ऑफ दिस थ्री, सिग्मा वी बराबर जीरो, सिग्मा एच बराबर जीरो, सॉरी सिग्मा वी बराबर जीरो एंड सिग्मा एम बराबर जीरो, ये दो ही उपलब्ध है हमारे पास में। तो दो उपलब्ध अगर समीकरण होती है, इफ देर, इफ वी हैव टू इक्वेशंस अवेलेबल और कैलकुलेशंस, तो आप केवल दो ही अननोन ज्ञात कर सकते हो, जबकि अननोन तो चार हैं, एम ए, एम बी, आर ए, आर बी, अननोन है चार, अवेलेबल है ये दो, तो हमें दो एडिशनल जरूरत पड़ेगी हमको, कुछ चीज होगी जिससे कि हम सॉल्व कर सकें। तो वो आप हमारी जो थ्योरी है ऑनलाइन क्लासेस की, उसमें अगर जाएंगे तो आपको मिलेगी। अभी संक्षेप में बता दूं, मोर्स थ्योरम होती है, मोर्स फर्स्ट थ्योरम एंड मोर्स सेकंड थ्योरम, एक होती है एरिया थ्योरम, एक होती है मोमेंट थ्योरम, उनकी सहायता से हम दो इक्वेशन और बनाते हैं, और दो अवेलेबल है, सिग्मा वी बराबर जीरो, सिग्मा एम बराबर जीरो, इन चार से हम ये चार अननोन निकालते हैं, एम ए, एम बी, आर ए, आर बी। तो चूंकि केवल इन दो इक्वेशन से आप सभी अननोन नहीं निकाल सकते, इसलिए ये फिक्स्ड बीम को हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट बीम। ओके, तो ये हो गया अनिर्धारित धारण, इनडिटर्मिनेट बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम होती है आप डिटर्मिनेट, जैसे मान लीजिए कोई बीम होती है सिंपली सपोर्टेड, अगर बीम आपकी सिंपली सपोर्टेड होती, रोड लग रहा है, ये रिएक्शंस हैं, अब इसमें कोई फिक्स एंड मोमेंट तो होंगे नहीं, क्योंकि सिंपल सपोर्ट्स में मोमेंट जीरो होता है, तो केवल दो रिएक्शंस निकालनी होती है, आर ए, आर बी। उसके लिए हमारे पास में दो इक्वेशन अवेलेबल है, सिग्मा एम बराबर जीरो, सिग्मा वी बराबर जीरो, उससे काम हो जाएगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है वो आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट बीम होती है। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि कैंटिलीवर बीम, ये कैंटिलीवर, यहाँ पे ये एंड फिक्स है, तो यहाँ फिक्सिंग मोमेंट होगा एम ए, और रिएक्शन होगी, अभी तो फ्री एंड है, यहाँ कोई रिएक्शन होगी नहीं और मोमेंट भी जीरो होगा क्योंकि फ्री एंड है। यहाँ भी हमारे पास दो अननोन है, एम ए और आर ए, वी हैव टू अननोन्स एम ए एंड आर ए, और दो इक्वेशन होती है, सिग्मा एम बराबर जीरो, सिग्मा बी बराबर जीरो, ये भी आपकी कैसे बीम हो गई, डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ये एक बीम है जिसको मैंने एक ही सपोर्ट पर टिकाया, केवल वो भी मैं एक सिंपल सपोर्ट पर टिका दिया, ये ना तो डिटर्मिनेंट है ना इनडिटर्मिनेंट है, ये अनस्टेबल है। आप एक डंडे के ऊपर एक कोई रॉड लगा देंगे तो वो तो गिरी जाएगी ना, उसमें स्थिरता कहाँ आई, तो ये कहलाती है इनस्टेबल, ये ना देखा ना, अस्थिर बीम, इनस्टेबल बीम। ये आपको मैंने बहुत ही संक्षेप में समझाने की कोशिश की है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर, तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो फिक्स्ड बीम होती है जो चैप्टर हम करने जा रहे हैं, ये इनडिटर्मिनेट बीम होती है, क्योंकि इनको साम्यावस्था की सामान्य शर्तों से हल नहीं किया जा सकता। वी कांट सॉल्व ए फिक्स्ड बीम बाय सिंपली यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस, सिग्मा एच बराबर जीरो, सिग्मा वी बराबर जीरो, सिग्मा एम बराबर जीरो, व्हिच एवर इज एप्लीकेबल। नाउ सेकंड, तो आप समझ रहे होंगे कि मैं
कोई केवल सॉल्व करने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको डीपली बातें समझा भी रहा हूँ। अगर आप मेरे इन वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, अच्छा लगे इसको लाइक करो, शेयर करो, और बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आपको चाहिए। क्या क्या होता है, कई बार पेपर बहुत मुश्किल आता है और अच्छे अच्छे बच्चे भी इसमें अच्छे स्कोर नहीं कर पाते, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो आप हमारी अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं मात्र 600 रुपये के अंदर, ओनली इन 600 रुपीज अभी। तो आने वाला एग्जाम जो जून के सेकेंड वीक में एग्जाम होंगे ना, उसमें आप टॉस के अंदर जबरदस्त ग्रेड, A+ ग्रेड ला के अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कैसा भी मुश्किल पेपर आ जाए उसके अंदर A+ ग्रेड लेके आएंगे। मैं रिकॉर्डेड वीडियोस की मदद से पढ़ाता हूँ टीचमेंट ऐप के द्वारा, और उसमें मेरे वीडियो जब रिकॉर्डेड होते हैं, आप जब उन क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें तब अपने घर में वीडियो आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप की मदद से मैं आपकी डिफिकल्टीज को का पता लगा दूँ, कोई भी डिफिकल्टी होती है तो बच्चे ग्रुप के अंदर मुझे शेयर करते हैं और मैं उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करके वापस बच्चों को समझा देता हूँ। और आपको अगर ये क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो आप मुझे 9521663064 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी बात बता सकते हैं। फोन में अटेंड नहीं कर पाता, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, उसको चेक करके मैं आंसर दूंगा आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो पेपर में क्वेश्चन नंबर पहले का छठा है। दोनों सिरों पर आबद्ध किए गए और विस्तृत के मध्य बिंदु पर बिंदु भार P वहन करने वाले L लंबाई के धरण का बायां छोर आघूर्ण होगा। द लेफ्ट एंड मोमेंट ऑफ ए बीम ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इन कैरिंग ए पॉइंट लोड P एट मिड स्पान विल बी। देखिए पहले तो ये सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। ये सवाल ये कह रहा है कि दोनों सिरे तो हैं इसके फिक्स और बीचों बीच में लगा दिया एक रोड P सेंटर में, ये दोनों बराबर है। विस्तृति यानी कि स्पान कितना है इसका L, इसकी जो स्पान है वो L है, और मिड पॉइंट इसका मतलब ये L/2 हो गया, इट इज L/2। ये A है, ये B है और ये C है। ये अगर कंडीशन है तो ये जो फिक्सिंग मोमेंट्स होते हैं A और B पर, उसने पूछा लेफ्ट एंड, देखिए लिखा ना साहब साहब, द लेफ्ट एंड मोमेंट ऑफ ए बीम विल बी। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 0.125 PL। आप तुरंत इसका आंसर दे दें 0.125 PL। कैसा आएगा मैं भी समझाऊंगा आपको। देखिएगा मैं आपको एक बात बता दूं, आप अगर ये कुछ सूत्र याद रख लें, फॉर्मूले याद रख लें, तो ये एक क्वेश्चन आया, ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये चारों केसेस आपके सामने रख रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखें। मैं केवल इसका आंसर नहीं दे रहा हूं, मैं इसके जैसे बनने वाले कई क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूं आपको। ये आपके 3 ही स्टैंडर्ड केसेस कोर्स में है, किताब में तो आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जो अनावश्यक है, आप अपना समय खराब करेंगे इनको पढ़कर। केवल ये 3 केसेस ध्यान रख लें, ये सिलेबस में आपके डिप्लोमा के अंदर। ये फिक्स बीम है जिसका स्पान L है, जिसके सेंटर में पॉइंट लोड W। ये फिक्स बीम है, स्पान L है, पूरे पे UDL लगा हुआ है W/m। ये फिक्स बीम है जिसके ऊपर एसेंट्रिक लोड लगा हुआ है W। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है। अब A B से छोटा भी हो सकता है, A B से बड़ा भी हो सकता है। अगर A B के बराबर हो जाए तो ये केस बन जाएगा, लेकिन अभी हम तीनों केस में देखेंगे। हमें इन तीनों स्टैंडर्ड केसेस के अंदर क्या पता होना चाहिए बड़े बड़े सवाल करने के लिए फिक्स बीम के, फिक्स्ड एंड मोमेंट्स MA/MB और रिएक्शंस RA RB। ये कॉलम मैंने बनाया MA के लिए, ये कॉलम बनाया MB के लिए, ये कॉलम RA के लिए और ये कॉलम RB के लिए। याद रख रहे इसको आप, बहुत सारे सवाल कर पाएंगे। जब सेंटर में पॉइंट आउट W लगता है ना, तो दोनों फिक्सिंग मोमेंट WL/8 होते हैं, W capital × L capital/8 दोनों बराबर, क्योंकि लोडिंग में सिमेट्री है इसलिए फिक्स एंड मोमेंट बराबर होते हैं। और रिएक्शन हो जाएगी टोटल लोड की आधी, यानी W capital/2 W capital/2
याद रखेंगे बहुत आसान है। अब हमारा केस यही है, बस अंतर कितना है, हम नॉर्मली फॉर्मूला में इसको डब्ल्यू कह दिया, इसने पी कह दिया, बाकी कोई फर्क है नहीं। तो हमारा क्या होता है, अच्छा एम ए एम बी दोनों सेम ही होते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड मोमेंट निकालो चाहे राइट हैंड निकालो, बोले हमें लेफ्ट हैंड पूछा गया ना, हमें एम ए पूछा गया, एम ए कितना हो जाएगा बताइए आप, कितना है डब्ल्यू एल बाई एट, हम यहाँ लिख देंगे पी एल बाई एट, क्योंकि डब्ल्यू को पी लगा हुआ है, और एक में आठ का भाग लगाओगे तो पॉइंट एक दो पहुंच आएगा, बस कितना आसान सवाल बताइए, वेरी सिंपल। ये देखिए पॉइंट वन टू एक नंबर मिल गया आपको। अब अगर ये वाला केस है, ये वाला, इसमें भी चूंकि लोडिंग में सिमेट्री है इसलिए एम ए एम बी बराबर होंगे स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा बारह, स्मॉल डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा बारह, आप याद रख लें इनको फॉर्मूले को, और रिएक्शन भी दोनों बराबर होंगी क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है। टोटल लोड कितना होगा, यूडीएल को गुणा कर देंगे एल से डब्ल्यू इंटू एल, उसे आधा कर देंगे डब्ल्यू एल बाई टू, डब्ल्यू एल बाई टू। आगे देखिए, अगर ये एसेंटिक लोड लग रहा है तो एम एम भी बराबर नहीं होंगे। देखिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, सी पर लोड लग रहा है डब्ल्यू, तो जो एम ए होगा फिक्स्ड एंड मोमेंट एट ए यानी कि लेफ्ट एंड मोमेंट, उसका फॉर्मूला याद रखिएगा डब्ल्यू कैपिटल ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये मोमेंट निकालना ना वो ए पर, इधर की जो डिस्टेंस ए उसका स्क्वायर नहीं करना है लेकिन उधर की दूरी का स्क्वायर करना है अपॉन एल स्क्वायर। और अगर आपको एम बी निकालना है बी, ये मोमेंट निकालना है ना, जिधर का मोमेंट निकालना उस साइड की दूरी का स्क्वायर नहीं करते कभी भी, एम बी निकालने में ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर, दोनों में सेम ही है डब्ल्यू बाई एल स्क्वायर सेम ही है, या ए बी स्क्वायर है या ए स्क्वायर बी है। अब बात करते हैं रिएक्शन की। अच्छा एक बात और बता दूं आपको मैं, अगर ये ए और बी बराबर हो जाए, अगर ए और बी बराबर हो जाए, देखिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रफ के अंदर अगर ए और बी बराबर हो जाए, ए और बी बराबर इसका मतलब दोनों एल बाई टू हो जाए, तो उस केस में डब्ल्यू ए का मतलब एल बाई टू, बी स्क्वायर का मतलब एल बाई टू का स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू एल, ये एल क्यूब हो जाएगा, दो का स्क्वायर चार दूनी आठ, और ये एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल करके एक एल रह जाएगा, तो ये डब्ल्यू एल बाई एट भाग नहीं हुआ, ये वही केस है जो कि वाला केस है, समझ गए आप। यहाँ पर भी आप अगर एल बाई टू रखेंगे तो सेम ही आएगा। अब रिएक्शन को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आठ नंबर सवाल करने में काम आएंगे आपके। देखिए फिक्स्ड बीम के सवाल को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सूत्र की सहायता से, एक प्रथम सिद्धांत से बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगर एग्जाम में कभी ये लिखा ना हो कि यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से आप करें, तो आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना, आपको फॉर्मूले से करना, उसके केवल फॉर्मूले आपके लिए काफी है। तो आर ए निकालना, आपको फॉर्मूला याद रखेंगे डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन एल क्यू, ध्यान दीजिएगा उसको डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन एल क्यू, आर ए निकाल रहे हैं ना, ये लोड तो आएगा डब्ल्यू, और यहाँ इधर की आपको आर ए निकालना, ये दूरी स्मॉल ए काम नहीं आएगी, बी काम आएगी, उसका भी स्क्वायर अपॉन टोटल स्पान का क्यू, और ब्रैकेट में गुणा करेंगे थ्री ए प्लस बी। अब ये फॉर्मूला ऐसा ही है आर बी निकालने में, यहाँ बी स्क्वायर हो रहा था ना, यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ थ्री ए प्लस बी था, यहाँ ए प्लस सी बी हो जाएगा, तो आपको याद रखना होगा। अगर आप याद करेंगे तो आठ नंबर के सवाल भी आप आसानी से कर पाएंगे अगर सूत्रों से करने पड़े तो। अब यहाँ अगर मैं आपको कह दूं कि ए और बी बराबर है, अगर ए और बी बराबर है कितने हो जाएंगे दोनों, एल बाई टू, एल बाई टू, इसको देखिए क्या होता है, ये डब्ल्यू बी स्क्वायर अपॉन एल क्यू, डब्ल्यू बी स्क्वायर, तो डब्ल्यू बी का मतलब एल बाई टू का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर बाई फोर अपॉन एल क्यू, थ्री ए प्लस बी, तो थ्री एल बाई टू प्लस बी एल बाई टू, तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर
अपॉन चार एल क्यूब, चार एल क्यूब को मैं चार एल स्क्वायर इंटू एल कह सकता हूँ, और तीन एल बटा दो प्लस एल बटा दो को मैं कह सकता हूँ दो एल, डेढ़ और आधा दो होता ना। अब एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, और दो दूनी चार, डब्ल्यू बाई टू आ गया ना। इसी तरह से आप इसमें भी अगर ए और बी को एल बाई टू लेंगे तो ये भी डब्ल्यू बाई टू ही आएगा। ये आप ध्यान रखें, ये तीन जो फॉर्म, तीन जो केसेस हैं, इनमें हर एक में चार सूत्र हैं, एम ए एम बी आर ए आर बी, एम ए एम बी आर ए आर बी, एम ए एम बी आर ए आर बी, ये आप याद रखें तो किसी भी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और आप इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करेंगे, और जितना ज्यादा और जो बच्चे हैं, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से बच्चे ट्यूशन पढ़े हैं 600 रुपए देके, कोई जरूरी नहीं है। आप अगर वीडियोस को देखेंगे बराबर हमारे, तो उससे भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं और आप पास हो सकते हैं। और मैं यहाँ तक कहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर मान लीजिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी समस्या भेजता है, तो मैं समय निकाल के कोशिश करके, वादा नहीं करता लेकिन कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर दूं निःशुल्क। लेकिन आज के जमाने में 600 रुपये क्या होता है, एक पिज्जा भी नहीं आता है। आप अगर 600 रुपये जमा करके मुझसे जुड़ेंगे तो फिर वो चीज पाएंगे जो आपको 6000 में भी नहीं मिल सकती, और गारंटी के साथ में ए प्लस ग्रेड हासिल करेंगे अगर हमारे वीडियोस को मेरे निर्देश अनुसार देखेंगे तो, वरना नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तीन नंबर का, ये तीन नंबर क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है, पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और उसमें थ्योरी काफी आती है। ये देखिएगा, शुद्धालंबी धरण की तुलना में आबद्ध धरण के लाभ और हानियां समझाइए, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बीम एज कंपैरिजन टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा, हालांकि मैंने ये यहाँ ये लाभ और ये हानियां समझा दी है, लेकिन मैं केवल पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सॉल्विंग जस्ट पेपर, मैं आपको उसके साथ की बहुत सारी बातें समझाने में अपना ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ए फिक्स्ड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम जो होती है ना, उसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक जो एंड होता है वो होता है हिंज सपोर्ट पर, हिंज हिंज, और दूसरा जो एंड होता है वो होता है रोलर सपोर्ट पर, और ऊपर से लोड वगैरह लगते ही है, यूडीएल और लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि सिंपली सपोर्ट बीम को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं लाइन डायग्राम से, ये ऐसे कर देते हैं इस प्रकार से। जब लोड लगते हैं तो ये बीम इस प्रकार से डिफ्लेक्ट होती है, इस प्रकार से देखिए खूब ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, ये डिफ्लेक्शन है और स्लोप भी है। यहाँ अगर मैं टेंजन खींचू स्पर्श रेखा, देखो एंगल बन रहा है, ये यहाँ खींचू स्पर्श रेखा तो ये एंगल बन रहा है, तो दोनों एंड पर बीम जो है उसमें स्लोप भी है और डिफ्लेक्शन, और ये स्लोप और डिफ्लेक्शन जितने ज्यादा होंगे उतना बीम सेफ नहीं होगी। अगर बीम को ज्यादा लोड लेना है, मजबूत होना है, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन की वैल्यूज को मिनिमाइज करना होगा, मिनिमाइज। ये बात हो गई सिंपली सपोर्टेड बीम की। अब बात करते हैं फिक्स्ड बीम की। आप समझिएगा, यहां पर ये जो टेंजेंट है कैसे घूम गई क्लॉकवाइज, तो इसको काउंटर करने के लिए हमें इधर एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है जो इसको वापस यूं कर देगा। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसको काउंटर करने के लिए क्लॉकवाइज मोमेंट लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये लोड के कारण बीम ऐसे हो रहे हैं ना, हमने एक फिक्स मोमेंट लगा दिया इसको काउंटर करने के लिए, उसको नहीं कर देगा। तो इसका जो इफेक्ट होता है वो ये होता है। अब कोई आप हाथ से तो कोई मोमेंट लगा सकते नहीं, तो आपको दोनों सिरों को फिक्स करना पड़ेगा, ये लोड वगैरह जो भी लग रही है उसके ऊपर लग जाएंगे।
अब इसकी जो डिफ्लेक्टेड से बनेगी, अब क्या होगा, यहाँ पे स्लोप जीरो हो जाएगा और डिफ्लेशन भी अब इतना नहीं होगा, कुछ कम होगा। ऐसा नहीं कहते कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होगा। ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है। यहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल, हम कह सकते हैं कि ए और बी पर स्लोप तो जीरो हो गया। स्लोप स्लोप्स एट ए एंड बी जीरो, और डिफ्लेक्शन जो पहले इतना ज्यादा हो रहा था अब उसके कंपेरिजन में कम हो गया। खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन कम तो वही है। तो फिक्स बीम जो है वो डिफ्लेक्शन में कमी लाती है, स्लोप को सपोर्ट्स पर जीरो कर देती है। तो नेचुरली इसके लाभ होंगे, लेकिन जहां लाभ होते हैं वहां कुछ हानियां भी होती ही हैं। क्या होती है हम आपको समझाएंगे। अब इतना कुछ समझने के बाद में जब मैं ये पॉइंट समझाऊंगा तो आपको बहुत आसानी होगी, आप कभी भूलेंगे नहीं डिफरेंस को। आबद्ध धरण के लाभ, हम कंपेयर किसे कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम से कंपेयर कर रहे हैं। आबद्ध धरण के लाभ, पहला लाभ, सुरक्षित होती हैं, सेफ होती हैं। क्यों होती है सेफ, दो कारण है, स्लोप एट फिक्स्ड एंड इज इक्वल टू जीरो एंड वाई मैक्स यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेशन के मान में कमी होती है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिसके कारण बीम जो फिक्स्ड है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के कंपेरिजन में सेफ होती है। जब स्लोप जीरो हो जाए, डिप्रेशन में कमी आ जाए, तो नेचुरली ये सेफ्टी बढ़ जाती है। पॉइंट एक ही है, लेकिन दो पॉइंट छुपे हैं, ध्यान रखना। आपको किताबों में ये पॉइंट ज्यादा मिल जाएंगे, ये मैं सोचना कि सर ने तीन ही पॉइंट बताए, लेकिन मैं बहुत चीज को सिस्टमेटिक भी में लिखता हूं। आगे देखिएगा, दूसरा, अपेक्षाकृत मजबूत होती है। भाई इन कंपेरिजन टू सिंपली सपोर्टेड बीम, फिक्स बीम तो मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तीसरी बात, जब मजबूत होगी तो अपेक्षाकृत अधिक भार वहन करती है। सिंपली सपोर्टेड बीम की तुलना में ये ज्यादा वेट सहन कर सकती है, ये इसका एडवांटेज हो गया। मेनली एडवांटेज यही है, दो बेसिक, और इन दो बेसिक एडवांटेज, ये सब एडवांटेज प्राप्त होते हैं। इन सभी लाभों की जो जड़ है वो ये दो पॉइंट से, ध्यान रखना। अब हानियां, डिसएडवांटेजेस देखिएगा, ताप प्रतिबल का खतरा है, द डेंजर ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेस। क्या होता है, आप अगर कोई चीज को फिक्स कर दें तो फिर वो चीज वहां से अपनी जगह से बिल्कुल भी हट नहीं पाएगी, और टेम्परेचर अगर कम ज्यादा होते रहते हैं, आप जानते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि कोई चीज मामूली सा फैलना सिकुड़ना चाहती है, लेकिन फिक्स होकर सिकुड़ नहीं पाती, फैल नहीं पाती, तो स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। तो ताप प्रतिबल होने का खतरा रहता है इस प्रकार की बीम्स के अंदर। हालांकि उसका समाधान किया जाता है, लेकिन वो अभी हमारा विषय नहीं है। अब इसका डिसएडवांटेज बताने का था जो मैंने बताया इसका पहले, टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो है उसका डेंजर रहता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए स्किल लेबर की जरूरत पड़ती है। आप एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम बनाए, एक बनाए फिक्स बीम, तो स्किल लेबर चाहिए। देखिए निर्माण में अपेक्षाकृत अधिक तकनीकी कुशलता की आवश्यकता होती है, मतलब ये समझिएगा कंपेरेटिवली मोर टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, ये जो दो एंड होता है ना, ये देखिए आप, ये दो फिक्स एंड है, इन दोनों एंड्स को एक लेवल पर रखना जरूरी होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर। तो अगर ये एंड थोड़ा सा भी नीचे ऊपर हो गया तो बहुत फर्क पड़ता है इसका आगे मोमेंट्स के ऊपर, और ये टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हर एक नहीं कर सकता, इसके लिए स्किल लेबर चाहिए। तो ये चीज आप लिखें, कंपेरेटिवली मोर टेक्निकल स्किल इज रिक्वायर्ड इन कंपेरिजन टू सिंपली सपोर्टेड बीम एज फार एज कंस्ट्रक्शन इज कंसिडर्ड, क्योंकि सेम लेवल पर रखना जरूरी होता है। तीसरा, हैवी स्ट्रेसेस ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। देखिए अगर ये जो सपोर्ट्स है ए और बी, इनमें से कोई एक या दोनों सिंक हो जाए, यानी कि नीचे कुछ हट जाए अपनी जगह से, जैसे बी यहाँ था ना, ये यहाँ आ जाए,
यानी सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स, सपोर्ट अपने जगह पे थोड़ा बैठ जाए किसी भी कारण से, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। हैवी स्ट्रेसेस ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट्स, अलम्बों के निषेधन से भारी प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। चौथा, भारों के निरंतर बदलने से उसकी कार्य दक्षता में कमी आती है। अगर फिक्स बीम पे वेट जो है लगातार चेंज होता रहे, मान लीजिए रोलिंग लोड जो होता है उसकी इसकी बात कर रहा हूँ, तो वर्किंग एफिशिएंसी घट जाती है इन सपोर्ट्स की। और ओवरऑल पांचवा एक लॉस है, ये महंगी होती है। हालांकि ये फायदे बहुत ज्यादा होते हैं, इन फायदों की तुलना में ये जो कमियां हैं, नुकसान है, वो ज्यादा नुकसानदायक कहना चाहिए, ज्यादा महंगे नहीं साबित होते हैं, क्योंकि फायदे बहुत बड़े होते हैं। तो इनको भी बाद में किसी किसी विधि से काउंटर किया जाता है, लेकिन होते तो हैं, लिखना पड़ेगा ना। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाया आप, एक बनाया फिक्स बीम, तो नेचुरली फिक्स बीम महंगी होगी, तो ये हानि हो गई। जहाँ पे मेन जो आपके फैक्टर ही कॉस्ट का है, तो वहां तो अगर किसी के पास में पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो वो नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है, और बनाएगा तो पैसा ज्यादा खर्च होगा, तो एक तरीके हानि होगी ना ये। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आया ही होगा। चौथा क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर का है, ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 9 है, ये वाला देखिएगा। चित्र में दिखाई गई अवध धरण के दोनों सिरों पर छोर आघूर्ण का मान कितना होगा? What will be the value of fixed end moments at the both ends of given fixed beam? अभी 3 नंबर का सवाल है। अगर मैं केवल, वैसे तो होना ये चाहिए कि जो इसने बताया what will be the value of fixed end moments, आपको केवल इसका आंसर लिखना है। ये आंसर बड़ा सिंपल है, WL2/12, ये लो जी आंसर आ गया। भाई जैसा क्वेश्चन पूछा है ना, उसके हिसाब से तो आंसर ही दे दिया, आपको 3 नंबर मिल जाना चाहिए। लेकिन मेरी राय है व्यक्तिगत कि थोड़ा सा आप समझाइए, 3 नंबर लेने भाई, एकदम कोई मजाक थोड़ी है, तो कोई इट इज नॉट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ना 1 नंबर का सवाल है। लेकिन जो प्रश्न में भाषा दी है उसके हिसाब से तो आपको केवल लिखना WL2/12, बस ये फिक्स्ड एंड मोमेंट हो जाएगा दोनों सिरों पर। तो मैं इसको थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको, वापस एक बार सवाल पढ़ देता हूँ। चित्र में दी गई अवध धरण के लिए दोनों सिरों पर छोर आघूर्ण का मान कितना होगा? What will be the value of fixed end moments at both the ends of the given fixed beam as shown in the figure? ये फिगर में आपको दे रखी है। देखिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो फिक्स्ड बीम होती है वो 2 प्रकार की बीम्स का कॉम्बिनेशन होता है। एक तो अगर ये दोनों सपोर्ट्स फिक्स ना करके सिंपल सपोर्ट्स कर लें, सिंपल सपोर्ट्स, सरल अलंबित, तो ये सिंपली सपोर्ट भी बन जाएगी। उसके कारण क्या मतलब बेंडिंग मोमेंट बनता है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है, कितना बेंडिंग मोमेंट होता है, तो उसको अपन कहते हैं, अगर हम इस सिंपली सपोर्टेड, इस फिक्स बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम मान लें, तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है उसको कहते हैं म्यू डायग्राम, और उस म्यू डायग्राम के एरिया को बोलते हैं कैपिटल ए। एक ये जो इसके फिक्स्ड एंड्स हैं ए और बी, यहाँ पे ये फिक्सिंग मोमेंट होता है एम ए, यहाँ होता है एम बी, यहाँ रिएक्शन होती है आर ए, ये रिएक्शन होती है आर बी। अब एक तो हम इसको मान ले सिंपली सपोर्टेड, और एक मान ले ऐसी बीम जिसपे कोई लोड नहीं लग रहा, केवल ये फिक्स मोमेंट लग रहे हैं। तो केवल फिक्स मोमेंट लगते हैं ना, उसमें जो डायग्राम बनता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको हम कहते हैं म्यू डैश डायग्राम, जो केवल फिक्स एंड मोमेंट के कारण होता है। यहाँ चूंकि लोडिंग सिमेट्रिकल है, पूरे पेज से म्यूडी लग रहा है, तो दोनों मोमेंट्स बराबर होंगे, एम बी हमेशा एम ए के बराबर ही होगा। हाँ, अगर ये आधा यूनिट लगता या कम लगता या कुछ लोडिंग अनसिमेट्रिकल होती तो एम एम बी बराबर नहीं होते, लेकिन जब लोडिंग सिमेट्रिकल है तो एम एम बी बराबर होंगे। तो हम 2 डायग्राम बनाएंगे, एक तो सिंपली सपोर्टेड मानते हुए और एक ये फिक्स्ड एंड मोमेंट मानते हुए।
और फिर बाद में दोनों डायग्राम को हम कंबाइन करेंगे, ये मैंने किया यहाँ पे, इसको बाद में समझाऊंगा। इसे कहते हैं सुपर इम्पोज्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सुपर इम्पोज्ड बीएमडी। हिंदी में कहते हैं अध्यारोपित बंकन घुमा रेखा। और सूत्र तो ये, वैसे तो इसका आंसर ये हो गया, एम ए एम बी बराबर होते हैं डब्ल्यू एल स्क्वायर बराबर। डब्ल्यू किसमें आएगा, यूडीएल किलो न्यूटन पर मीटर में, एल किसमें आएगा मीटर में। तो एम ए एम बी की यूनिट क्या होगी, किलो न्यूटन इंटू मीटर। अब देखिए, तो मैंने ये समझाने की कोशिश की आपको कि अगर मैं इस बीम को केवल सिंपली सपोर्टेड मान लू, सिंपली सपोर्टेड मतलब ये देखिए ऐसे सिंपली सपोर्टेड मान लो इस तरह से, ये आप पढ़ चुके हैं थर्ड सेम के अंदर, तो इसमें जो इसकी जो होती है डिफ्लेक्टेड शेप तो ऐसी होती है, ये इसकी डिफ्लेक्टेड शेप है। और आप जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम के बीचों बीच में बेंडिंग मोमेंट ज्यादा होता है। अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएगा ना तो ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा पॉजिटिव, क्यों हमारी साइन कन्वेंशन ध्यान दीजिएगा, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट यानी कि सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट में क्लॉकवाइज, दोनों को हम प्लस कहते हैं। और सिंपली सपोर्टेड बीम में सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि यूडीएल है ना इसलिए कर्व आएगा। और ये आपको याद होगा थर्ड से मैं पढ़ चुके होंगे, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा आर होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा आर। या फिर बता दूं आपको, अगर मुझे यहाँ मोमेंट निकालना है, ये रिएक्शन कितनी होती है, ये लोड है डब्ल्यू पर मीटर, ये आर ए आर बी बराबर होंगे डब्ल्यू एल बाई टू, ये एल इसका स्पान है, डब्ल्यू एल बाई टू डब्ल्यू एल बाई टू, और ये दूरी आपकी एल बाई टू है। अगर यहाँ मोमेंट निकालू मैं इस साइड से, देखिए इस साइड से, तो डब्ल्यू एल बाई टू रिएक्शन इंटू दूरी एल बाई टू, ये यूडीएल नीचे राइट में क्लॉकवाइज है, तो इंटू एल बाई टू, और सीजी इसकी सेंटर में आएगी तो एल बाई फोर। अब देखेंगे ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा चार माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा आठ, और डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा चार में से डब्ल्यू एल स्क्वायर आठ घटाएंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा आठ बचेगा। ये तो आपको याद होना चाहिए, मैं तो ऐसे बता दिया थोड़ी देर के लिए। तो ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा आठ होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू सिंपली सपोर्टेड एक्शन। अब ये जो प्योर मोमेंट लगे हुए हैं, प्योर मोमेंट मैंने कहा ना एम एम बी बराबर होंगे सिमेट्री कारण, वो तो थ्रोट यहाँ एम एम बी तो पूरी लेंथ के अंदर इसका इफेक्ट सेम रहता है, तो बनेगा रेक्टेंगल। यहाँ सेम नहीं होता है, ये पैराबोला बना है रेक्टेंगल, ये बेस लाइन है, देखो ये इट इज बेस लाइन, याद आ रहेगा, और ये भी बेस लाइन है, वहां प्लस था इसलिए ऊपर ले गया इसको मैं, ये माइनस नीचे ले आया। और एम एम बी बराबर होते हैं तो जितनी लाइन वर्टिकल यहाँ होगी उतनी लाइन वहां होगी, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज म्यू डैश डायग्राम, इसे कहते हैं म्यू डैश डायग्राम। इसको अपन कैपिटल ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं म्यू डायग्राम, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या है कि आपको एरिया निकालना आना चाहिए। यहाँ आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर कोई इस तरह का एरिया होता है पैराबोलिक जिसकी हाइट है एच और विड्थ बेस की बी, इसका जो एरिया होता है ये एरिया ये 2BH/3 होता है, आपको याद रखना है कितना होता है 2BH/3। तो एरिया ऑफ म्यू डायग्राम कितना हो जाएगा, 2BH/3 कह दो या 2/3BH कह दो, तो 2/3 बी का मतलब ये बी, इसको बी कहा था मैंने, ये एल है यहाँ पे, एच का मतलब ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा आठ। अब इसको सॉल्व करेंगे दो से कट जाएगा, दो चौका आठ, और ये डब्ल्यू एल क्यू बटा बारह आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब निकालेंगे एरिया ऑफ म्यू डैश डायग्राम ए डैश, ये नेगेटिव है और रेक्टेंगल है ये, तो क्या होता है एरिया रेक्टेंगल का, लंबा इंटू चौड़ा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये एल इंटू एम ए, ये एम ए इंटू एल, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि नीचे बना है ड्यू टू अवर साइन कन्वेंशन।
अब जो एरिया थ्योरम होती है, मैंने कहा था ना आपको फिक्स्ड बीम को सॉल्व करने में अपन दो थ्योरम काम लेते हैं, एरिया थ्योरम एंड मोमेंट थ्योरम। एरिया मोमेंट मेथड जो होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो एरिया थ्योरम कहती है कि फिक्स्ड एंड के बीच में, दोनों फिक्स्ड एंड के बीच में दो डायग्राम जो बनाए आपने, म्यू डायग्राम और म्यू डे डायग्राम, उनका एरिया जीरो होगा। अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप उसको याद रख लीजिएगा, ए प्लस ए डैश, लेकिन साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना पड़ेगा। ए प्लस ए डैश जीरो होगा, यानी ये एरिया, ये एरिया जीरो। आप कहेंगे एरिया जीरो कैसे, ये भी एरिया, ये भी एरिया, पर वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और अगर इनका एल्जेब्रिक सम जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में। ए प्लस ए डैश जीरो, ए क्या था हमारा डब्ल्यू एल क्यू बटा बारह, और ए डैश क्या था, ए डैश था माइनस एम इंटू एल, तो प्लस है लेकिन खुद ए डैश माइनस में था, इसलिए माइनस एम इंटू एल आ गया बराबर जीरो। इसका मतलब एम इंटू एल बराबर डब्ल्यू एल क्यू बटा बारह, और एम ए कितना, एक एल कट जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा बारह, तो एम ए हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा बारह, और जो एम ए है वही एम वी भी होता है ड्यू टू सिमेट्री। ये मैंने आपको हर तरह से समझाने की कोशिश की है। आप एग्जाम में मेरे ख्याल से ज्यादा डीप में ना जाएं, जो कहा गया कभी फिक्स एंड मोमेंट बताइए तो बता दें डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा बारह होता है, और थोड़ा बहुत समझाना चाहे तो फिगर समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये था हमारा म्यू डायग्राम और ये था म्यू डे डायग्राम, जो कि माइनस है ना उसको मैंने सुपर इम्पोज किया है। जब हम कोई डायग्राम किसी दूसरे डायग्राम पर सुपर इम्पोज करते हैं, इसका मतलब था तो ये नेगेटिव, इसको मैंने ऊपर बना दिया ताकि सीधा अपन काउंटर करते रहे। ये डायग्राम मैंने ऊपर बना दिया, जहां दोनों डायग्राम क्रॉस करते हैं यहाँ पे वो मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, जीरो हो जाएगा। तो ये जब हम म्यू डायग्राम पर म्यू डे डायग्राम को सुपर इम्पोज करते हैं तो ये शेप बनती है। तो जो मैंने ये शेडेड किया पोर्शन, ये डायग्राम, ये आपको मोमेंट मिलेगा, बाकी जगह कोई मोमेंट नहीं है। यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, ये जो पॉइंट है जहां बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर, नति परिवर्तन दो होते हैं ऐसे बिंदु, हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर इतना कुछ बना दें आप तो तीन नंबर कर कहीं नहीं। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये केवल जो कहा गया उसके हिसाब से इतना लिख दें, एम ए बराबर एम बी बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बराबर, तो आपको तीन नंबर मिल जाने चाहिए, क्योंकि उसमें कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप बताओ समझाओ, कुछ नहीं कहा है, केवल लिखो, लिखे ना मान कितना होगा, वो कितना होगा इतना होगा बस। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत आप एक्सप्लेन करें, तीन नंबर ज्यादा होते हैं कम नहीं होते हैं, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब अंतिम क्वेश्चन नंबर पांच जो एग्जाम आया है, देखिएगा ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 12 है, पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये देखिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, इसके बावजूद भी आधे से ज्यादा बच्चे फेल हैं इस सब्जेक्ट में। आप सोचिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका मकसद क्या है, आज 4-5 हजार रुपये खर्च के 4-5 हजार रुपये खर्च करके बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं शहरों में, और पेट्रोल का खर्चा भी होता है मोटरसाइकिल का, ये सब्जेक्ट कम से कम नहीं तो अगर मिनिमम 3 हजार भी माने कोचिंग फीस, तो 2-2.5 हजार मान के 5-6 हजार रुपये जरूर खर्च करता है। लेकिन अगर अच्छी कोचिंग नहीं मिलती, अच्छे पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, तो क्या फायदा अगर बैग आ जाए, चलो बैग ना भी आए, सी प्लस या डी ग्रेड आ जाए तो क्या फायदा इन चीजों का। तो जो काम हजारों रुपए खर्च करके भी नहीं हो सकता, अगर वो 600 रुपये में देने की आपको बात कह रहा हूँ तो कहाँ गलत कह रहा हूँ। कई बच्चे क्या समझते हैं, अरे ये तो 600 फीस ले रहे हैं, अरे बेकार टीचर है ये, कोई टीचर है क्या, 600 फीस है, हम तो वहां जाएंगे जो 6000 लेता है। आज बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहा है और समझ रहा है, उसको लग रहा है कि वास्तव में मुझे लाभ हो रहा है, तो उसको मेरी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। उसमें आपको बहुत ज्यादा मैटर मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे मैटर मिलेंगे। और सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आने वाले समय में जैसे डिजाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर आएगा फिफ्थ सेम में, इसके बारे में 999 रुपये ने 1000 रुपये में बच्चों को पढ़ाया था, मोस्टली बच्चे पास हो गए और अधिकांश के ए प्लस ग्रेड आया, और 60% बच्चे फेल हो गए राजस्थान के अंदर।
उसकी फीस मैं अगली बार करने वाला हूँ 2000 रुपीज। तो आप अगर आज ये क्लास ज्वाइन करते हैं टॉस की, तो उस सब्जेक्ट को आप मात्र 1000 में पढ़ पाएंगे। मैंने, हो सकता है कि मिनिमम 2000 आपको देने पड़ जाए। अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो कोई फोर्स नहीं है पढ़ने के लिए। मैं आपको सिंपल कंपेरिजन बता रहा हूँ कि किस तरह से आजकल बच्चे, उनको नॉलेज ही नहीं इन चीज़ों का, कौन फायदा कर रहा है कौन नुकसान कर रहा है। हम जितना डीपली पढ़ाते हैं, जितना अच्छा पढ़ाते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले रात तक ही बच्चे जो जुड़े रहते हैं थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, तो बच्चे पास होते हैं। कमजोर से कमजोर बच्चे भी पास हो जाते हैं, और थोड़ी सी मेहनत करे तो A+ ग्रेड आती है। अभी लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का करने जा रहा हूँ। चित्र में दिखाई गई धरण के लिए बंकन अगुण आरेख एवं कर्तन बल आरेख प्रथम सिद्धांत विधि द्वारा बनाई है। ये अच्छा सवाल है। मैंने कहा ना, आप फिक्स्ड एंड मोमेंट के, फिक्स्ड एंड बीम के सवाल दो मेथड कर सकते हो। एक तो फॉर्मुलों से, जो मैंने आपको करके बताया अभी, और एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड मतलब होता है, दो प्रकार से होता है इसका, लेकिन मैं आपको कराऊंगा जो आपके सिलेबस में, मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड, हालांकि मैकले मेथड भी है, लेकिन फिक्स्ड बीम के लिए मोमेंट एरिया मेथड ही सबसे अच्छा होता है। तो शुरू करते हैं। ये आपको पेपर में दिया हुआ है, ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर का यूनिट लग रहा है। ये भी फिर भी में 5 मीटर लंबाई है इसकी। तो मैंने बता दिया यहाँ MA MB। अब चूंकि ये लोडिंग सिमेट्रिकल होते हैं, MB तो MA के बराबर ही होगा, और ये आपके RA होगा और ये RB होगा। निकालना, हम सब निकालना पड़ेगा ना। ये जब सब निकालेंगे तभी तो अपन फिगर बना पाएंगे। अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुका था म्यू डायग्राम और म्यू डैश डायग्राम। देखिएगा, अगर मैं सिंपली सपोर्टेड बीम मानूं बजाय फिक्स्ड बीम के इसको, तो जो बनेगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसे कहते हैं म्यू डायग्राम, वैसा बनेगा। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ होगा, यहाँ तो जीरो होगा, सिंपल सपोर्ट पे जीरो होता है। यहाँ कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बटा आठ। डब्ल्यू कितना है, 10, एल कितना है, 5, 10 × 5 स्क्वायर बटा आठ। इसको सॉल्व करेंगे तो 31.25 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा। तो ये आपके बन गया म्यू डायग्राम, ये 5 मीटर है। नाउ म्यू डैश डायग्राम। म्यू डैश डायग्राम में अपन जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है दोनों और बराबर है, तो ये रेक्टेंगल, अगर मान लो ये बड़ा होता, अगर लोडिंग सिमेट्रिकल नहीं होती तो ट्रेपेज़ियम बनता, समलंब चतुर्भुज बनता। जब दोनों फिक्स्ड एंड मोमेंट बराबर होते तो एक रेक्टेंगल बनता है और ये माइनस बनता है, क्योंकि ये जो राइट क्लॉकवाइज और लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज हम माइनस मानते हैं। ये देखिएगा, राइट क्लॉकवाइज लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज माइनस, हॉकिंग बेंडिंग मोमेंट को माइनस कहा जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू मूर्स फर्स्ट थ्योरम, ये मूर्स की थ्योरम होती है, फर्स्ट सेकेंड दो, फर्स्ट होती है एरिया थ्योरम, सेकेंड होती है मोमेंट थ्योरम। एरिया थ्योरम के कारण क्या होता है, A+A' जीरो होता है। नो व्हाट इज ए, आपको कहा था मैंने 2BH/3, तो 2/3 जो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पे, एरिया 2BH/3, ये समझे ना, मैं ये बी है, ये एच है। तो 2B कितना है इसका, 5, एच कितना है 31.25/3, प्लस A' कितना है, माइनस का MA × L, माइनस का MA × 5 बराबर जीरो। सॉल्व करेंगे तो एम ए आ जाएगा 20.833 किलो न्यूटन मीटर, 20.833 किलो न्यूटन मीटर। और जो एम बी है वो एम ए के बराबर, एम ए में दोनों आगे साथ आगे ना। ये अब मैं इसको करने वाला हूं, फर्स्ट प्रिंसिपल से ध्यान रखना, ये देखिएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल समझाया है, 20.833 किलो न्यूटन मीटर, 20.833 किलो न्यूटन मीटर। एक्चुअली ध्यान देना, यही फर्स्ट प्रिंसिपल है जो मैंने किया है, A+A' बराबर जीरो। हमारी एक इक्वेशन से काम चल गया। अगर ये लोडिंग अनसिमेट्रिकल होती तो दो इक्वेशन बनती, वो लंबा होता, लेकिन फॉर्चुनेटली क्वेश्चन 8 नंबर का आ गया, छोटा आ गया बिल्कुल।
अगर ये क्वेश्चन अनसिमेट्रिक लोडिंग होती, यानी लोडिंग कुछ ऐसी होती, मान लीजिए अगर लोडिंग कुछ ऐसी होती इस प्रकार की, यूडीएल भी लगता और कहीं बीच में दो एक पॉइंट लोड लगा, ये अनसिमेट्रिक होती है, ये लोड कम ये ज्यादा है, दूरी ज्यादा दूरी कम, तो ऐसे केसेस के अंदर थोड़ा लेंथ सवाल बनता। ये सवाल निकल गया बिल्कुल सिंपल। अब देखिएगा, ड्यू हम कह सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री आर ए आर बी बराबर होंगे, आर बी और आर ए बराबर होंगे, ये अपन सिंपली कह सकते हैं। जब सिमेट्रिक लोडिंग होती है तो दोनों रिएक्शंस बराबर होती है, आर ए बराबर आर बी। अब लिख दें यहाँ पे आर ए बराबर आर बी बराबर, टोटल लोड कितना है 10 × 5 = 50, आधा कर देंगे 25 kN। अब हम पहले बनाएंगे एस एफ डी शीयर फोर्स डायग्राम। देखिए शीयर फोर्स डायग्राम, शीयर फोर्स डायग्राम देखेंगे कि बी पॉइंट पर अगर हम बी के जस्ट राइट में जाएं तो कोई लोड नहीं है, जीरो फोर्स है, लेकिन जैसे मैं बी के जस्ट लेफ्ट में होऊंगा, ये इसके राइट में 25 kN ऊपर है, और राइट में ऊपर जो होता है ये देखिएगा, ये शीयर फोर्स के साइन कन्वेंशन है, सेक्शन के राइट में ऊपर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमने ये 25 kN नेगेटिव बना दिया। अब यहां बात करें ए पर, अगर मैं ए के इधर लेफ्ट में आ जाऊं तो इसका कोई लोड ही नहीं है तो जीरो होगा, लेकिन जैसे ही मैं इस ए पॉइंट के जस्ट राइट में आऊंगा, ए के जस्ट राइट में और लेफ्ट में देखूंगा, आया तो इसके राइट में हूं लेकिन देख मैं लेफ्ट में रहा हूं, लेफ्ट में देखिए ऊपर फोर्स लग रहा है, इस ए पॉइंट के जस्ट राइट में खड़ा हो जाऊं और लेफ्ट में देखो तो ये ऊपर लग रहा है। और देखिएगा अगर किसी सेक्शन के लेफ्ट में ऊपर फोर्स हो तो वो प्लस होता है, यहाँ प्लस होगा, ये 25 माइनस था वो 25 प्लस है, और चूंकि यूडीएल है तो यूनिफॉर्मली लोड चेंज होगा, तो हम इसको, और आप जानते हैं कि शीयर फोर्स डायग्राम के अंदर अगर यूडीएल होता है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है, कभी कर्व नहीं आता, या पढ़ चुके हैं थर्ड सेम के अंदर मैग्नीशियम मेटल के अंदर CE3003 के अंदर, तो ये सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो ये बन गया इसका एस एफ डी, ये प्लस ये माइनस, ये एग्जैक्टली सेंटर में क्रॉस करेगा जहाँ पे शीयर फोर्स जीरो हो जाएगा, तो उसका शीयर फोर्स जीरो कहाँ होगा, मिड सेक्शन पर यानी कि डायमीटर पर। अब बनाया मैंने ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो देखिए मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए थे, ये म्यू डायग्राम जिसमें ये 31.25 है kN और ये म्यू डैश डायग्राम जिसमें एम एम बी बराबर निकले वो थे 20.833। अब ये 31.25 थोड़ा लाइन लंबी रही, ये गैप ज्यादा रखा मैंने, और ये 20.83 नेचुरली थोड़ा कम है ये। अब हम क्या करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, यानी है तो ये माइनस का लेकिन इसको उलट देंगे बनाएंगे, तो क्या ऐसा हो जाएगा, ये इट इज, ये जो मैंने बनाया है ये सुपर इम्पोज है, लिख सकते हैं अपनी चाहे तो सुपर इम्पोज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दो वही है सेम, कोई नया नहीं है, वही है ये पहला और ये था, तो ये नीचे लेके ऊपर बना दिया। अब जहां ये क्रॉस करते हैं ना वहां मोमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफेक्शन, दो होते हैं इसमें, ये भी होता है, और आप अगर करेंगे कैलकुलेशन तो बहुत आसान ये काम आपको करना चाहिए। ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रफेक्शन यानी कि नति परिवर्तन बिंदु, ये इस एंड से निकालेंगे तो 1.0567 मीटर आएगा, उधर से भी देखेंगे तो सेम ही आएगा। अभी निकाला मैंने आपको सिखाया है, देखो निकालने की मैंने कोशिश की है, जहां ये क्रॉस करते डायग्राम उस पॉइंट को मैंने सी नाम दे दिया, और ये देखो सी बिंदु हो गया, और यहाँ उसको डी कह दिया, डी पॉइंट हो गया, तो सी और डी पर बेंडिंग मोमेंट जीरो है, तो मैंने कह दिया एम सी बराबर जीरो। अब देखिए इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं
आप इस साइड से निकाले मोमेंट, ये साइन कन्वर्जन ध्यान रखें ये वाले मोमेंट के लिए, ये वाले। तो इधर देखेंगे तो ये प्योर मोमेंट है और लेफ्ट में एंटी क्लॉक वाइज, लेफ्ट में एंटी क्लॉक वाइज माइनस में होता है। कितना है 20.833, तो माइनस का 20.833। ये रिएक्शन ऊपर की ओर जा रही है तो मोमेंट कैसा बन जाएगा, यहाँ पर ये मोमेंट कैसा बन जाएगा इस सेक्शन सी के, ये वाला क्लॉकवाइज बन जाएगा। और लेफ्ट में क्लॉकवाइज जो होता है, लेफ्ट में क्लॉकवाइज ये प्लस होता है, प्लस 25 × x। ये x तो निकालना मेरे को, उसको x मान रखा मैंने, लेकिन ये UDL इस सेक्शन के लेफ्ट में और नीचे तो ये एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल इसकी तरह। एक और ध्यान रखना, ये प्योर मोमेंट था 20.833, मैंने इंटू एक्स नहीं किया यहाँ पे, ये अपने आप में मोमेंट ही है ध्यान रखना, लेकिन यहाँ मैंने 25 को एक्स से गुणा किया क्योंकि 25 फोर्स है। अब ये UDL जो लग रहा है इधर कितना है पर मीटर, 10, दूरी कितनी एक्स, कुल फोर्स कितना हो जाएगा 10 × x। और कहाँ लगेगा ये, मिड पॉइंट पर, दूरी कितनी हुई है एक्स बाय टू, तो 10 × x × x/2 ये माइनस में होगा, माइनस 10 × x × x/2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज कर देता हूँ सबके में, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। 10/2 5x² माइनस का प्लस कर दिया, प्लस 25x का माइनस 25x कर दिया और माइनस का प्लस कर दिया बराबर 0। 5 से डिवाइड कर दिया ये आ गया। नो अप्लाइंग सी द्राचार्य फॉर्मूला इन, जो आपने क्लास 10th में 9th में पढ़ा होगा ना, अगर ax² + bx + c बराबर 0 तो x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। द्विघात समीकरण से जो अपन निकालते हैं ना x का मान, वो हमने a कितना है इसके अंदर 1, b कितना है -5, c कितना है 4.167, सब रखा, ये आपको याद होगा, लिख देता हूँ। ax² + bx + c = 0 अगर हो तो x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a होता है। यहाँ a कितना है, a है 1, b कितना है, b है -5 और c कितना है 4.167। ये रख के आप x निकालेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी। देखो मैंने फिलहाल माइनस लिए, अगर 5 में से 2.887 घटाऊं, उसमें 2 का भाग लगाऊं तो 1.0567 आएगा। चलो अगर आप प्लस लेते तो क्या होता, ये बता दो मैं आपको, प्लस लेते थे क्या होता, 5 + 2.887 तो 7.887 ये आता ना, 7.887 अपॉन टू कितना आया, ये आया 3.9435। ये भी सही है, एक्चुअली ये यूनिफॉर्म सेक्शन है यहाँ से यहाँ तक। अगर आप दूरी x यहाँ से माने तो छोटी दूरी या अगर बड़ी दूरी, अगर ये मैं कहूँ आपसे ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, ये वाला कितना आएगा, 3.9435। दूसरी वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअली वो 887 नहीं था जी, 88666 होता है। अगर ये 3.9435 जो है ये घटाएं किसमें से, 5 में से, अगर मैं इसको -5 कर दूं, ये 1.0565 देखो 1.0567 नहीं, एक्चुअली वो राउंड फिगर में किया था ना, इसलिए एक ही बात है। तो दो आंसर दोनों करेक्ट हैं, एक ये पॉइंट है यहाँ से इतना दूर, एक ये पॉइंट है वो यहीं से, अब यहाँ से इतना वहां से कितना होगा, इसलिए हमने यहाँ बराबर कर दिया, ये भी 1.0567 वो भी 1.0567। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा, मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश की है। और भी अच्छा काम अगर चाहते हैं तो आप हमारी क्लास ज्वाइन कीजिए, ऐसी मेरी आपसे आशा है, और फ्यूचर के अंदर लाभ उठाइए महंगे महंगे कोर्सेज को आधे फीस में करने का। कई बच्चों के जो ये वीडियो देख रहे हैं फोर्थ सेम में रेगुलर हैं, उनके सेकंड सेम में कई पेपर बैक होंगे,
इवन फर्स्ट सेम में बैक होंगे। जो सिक्स सेम के बच्चे अभी जिनके ये बैक पेपर है टॉस का, वो उसको देख रहे हैं, तो हो सकता है उनके स्टील स्ट्रक्चर जो पेपर है फाइव उसमें बैक आ गई हो। इवन ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं सिक्स सेम के जिनके फर्स्ट सेम में, फर्स्ट सेम की मैथ्स फिजिक्स वगैरह भी बैक है। ये खुशखबरी दे रहा हूँ, अगले सेमेस्टर से मैं मैथ्स के साथ में फिजिक्स भी पढ़ाई करूंगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करके वीडियो पूरा करता हूँ। जो आशा है कि इस वीडियो का लाभ उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये आप शेयर करेंगे, ताकि मेरी ये जो बच्चों को लाभान्वित करने की जो रीति है, निधि है, मेथड जो है, ये अधिक से अधिक बच्चों को पहुंचे, वो फीस कम के अंदर ज्यादा लाभ उठा रहे हैं। पेरेंट्स भी बहुत दुखी होते हैं, हजार रुपये खर्च करते हैं लेकिन बच्चा फेल होता है। मेरी आशा है कि आप लोग इसको खूब शेयर करेंगे, कमेंट से डालिए वीडियो के अंदर के कैसा लगा आपको, और आपके पेपर अच्छे हों। मेरी आपकी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं पेपर अच्छे होने के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।